Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel Rims Lifestyle. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे. तो जी, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ द परफेक्ट स्कूल मेन ब्रांच का कल्चर डे शेयर किया था, उसी तरह ही मैं आप लोगों के साथ परफेक्ट स्कूल अलकानी कैंपस का भी कल्चर डे शेयर करूँगी. लेकिन हाँ, अगर पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो डू टेक आउट द लिंक, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. और कमेंट करना ना भूलिएगा, अगर आपके बच्चे इस कैंपस में या परफेक्ट स्कूल के मेन ब्रांचेस वगैरह में पढ़ते हैं तो ज़रूर मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और जो है कमेंट किया करें और मेरी वीडियोस को शेयर किया करें. अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं जैसे ही परफेक्ट मेन ब्रांच में पूरा जो है वो कल्चर डे मनाया गया था, तो वो उसी दिन परफेक्ट अलकानी कैंपस में भी मनाया गया था. मैंने यहाँ पर भी विज़िट किया और यहाँ की कवरेज की, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ. अच्छा, तो यहाँ पर जो है 1 से लेकर 3 तक क्लासेज हैं और 3 जितने भी बच्चे थे सब ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया था. और बच्चे आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह से इतने प्यारे, इतने खूबसूरत लग रहे थे सिंधी कल्चर अटायर में. और मैं तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने बच्चों को इतना अच्छा गेटअप दिया और रात डेढ़ डेढ़ तक बैठे रहे, अपने बच्चों के ड्रेसेस बनवाते रहे. तो ये बहुत सारा क्रेडिट जाता है पेरेंट्स पे. उसके बाद सेकंड क्रेडिट मैं दूँगी टीचर्स का और जो पूरी परफेक्ट अलकानी कैंपस की टीम है टीचर्स की, तो उनको मैं पूरा अप्रिशिएट करूँगी. हेड्स ऑफ टू द ऑल टीचर्स जिन्होंने बच्चों को इतना मोटिवेट किया और इतनी अच्छी अच्छी तैयारी करवाई. 1-2 दिन में ही ये तैयारियाँ हुई और बच्चों ने सब ने इंजॉय किया, पार्टिसिपेट किया, इस फंक्शन को अच्छे से इंजॉय किया. और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बच्चे माशाल्लाह से इतना अच्छा जो है वो टेबलो परफॉर्म कर रहे हैं. वो सिर्फ इसलिए क्योंकि टीचर्स की भी इसमें बखूबी मेहनत है. आप लोगों को इतना पता चलूँ कि बच्चे जिस तरह परफॉर्म कर रहे थे उसके बिल्कुल फ्रंट पे टीचर्स भी इस तरह डांस कर रही थी, परफॉर्म कर रही थी, ताकि बच्चों को कोई भी स्टेप ऐसा ना हो कि वो भूल जाएँ या बच्चे इस तरह कंफ्यूज हो, तो टीचर भी साथ साथ गाइड करती जा रही थी. अच्छा जी, तो अब आप लोगों को इतना बताऊं कि जो है बच्चे सुबह मॉर्निंग में जो उठ के आए थे और इतना अच्छा गेटअप करके आए थे, तो बच्चे सुबह से बैठे हुए थे और बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इस इवेंट को. और मैं तो चाहती हूँ कि हर स्कूल में, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, हर स्कूल में इस तरह के इवेंट्स होते रहें. सकाफ़ती इवेंट ये होता है कि बच्चों को इसमें नॉलेज का इजाफा होता है, बच्चों को पता चलता है कि हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं उसी कल्चर में, उस कल्चर में क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसा ट्रेडिशन है, सिंधी अजरक टॉपिक क्या है. तो ये जो है बच्चों में इस चीज़ों की नॉलेज आती है. और मैं अप्रिशिएट करूँगी पूरी परफेक्ट टीम को, डायरेक्टर साहब सर अजहर शाह को, जिन्होंने इतना जो है अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया. और ना कि सिर्फ इस कैंपस में बल्कि और भी आगे कल्चर डे मनाए जाएंगे और उनका भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी. तो आई होप कि आप लोग इन्जॉय ज़रूर किया करें इस वीडियो को, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें. माशाल्लाह सब बच्चे सिंधी कॉस्ट्यूम में इतने प्यारे और ख़ूबसूरत लग रहे थे और सब बच्चे जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे एक्साइटेड होके. और जो बच्चे ऑडियंस में बैठे थे उन्होंने भी बड़ा एंजॉय किया. उसके अलावा जो है जैसे हमारे परफेक्ट स्कूल मेन ब्रांच की जो है वो न्यूज़ चैनल में कवरेज चली थी, इसी तरह ही हमारे परफेक्ट अलकानी कैंपस का भी जो है KTN न्यूज़ पे और आवाज़ चैनल पे जो है वो कवरेज चली थी कि ठट्टा में इस तरह के स्कूल में सकाफ़ती जो है वो इवेंट मनाया जा रहा है.
अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ परफेक्ट मॉन्टेसरी ब्रांच का भी जो है वो कल्चर डे शेयर करूँगी। तो आई होप कि आप लोग इन्जॉय करें मेरे कंटेंट, इस तरह इंशाल्लाह क्रिएटिव लगेंगे आप लोगों को। और जो भी परफेक्ट होगी ब्रांचेस या कॉन्सेप्ट स्कूल के भी कोई भी इवेंट होगा या कुछ भी इस तरह, तो मैं यहाँ पर ज़रूर शेयर करूँगी। मेक श्योर कि अगर आपके स्टूडेंट्स, आपके बच्चे इस किसी भी स्कूल में स्टूडेंट्स हैं तो आप ज़रूर मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, या आपके रिश्तेदार या आपके जाने वाले में से किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं तो आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप्स में, तो ताकि इस तरह ये होता है मोटिवेशन मिलती है। तो जी एंड में मैंने सब बच्चों के इस तरह अलग अलग फ़ोटो सेशन किया, और यहाँ पे सारे लड़कों की मैंने आप लोगों को दिखा दी। चलो सिंधी टोपी अजरक पे इतने प्यारे लग रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पे लड़कियाँ इस तरह मटके उठाए हुए इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत लग रही थी, और इतने अच्छे से तैयार होके आई थी माथा पट्टी वगैरह लगा के, जो हमारा सिंधी कल्चर में आता है। पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपने बच्चों के इस जर्नी में, तो वो बच्चों के इस तरह के एक्सपेंसेस भी उठा लेते हैं, चाहे वो कितने भी अफोर्डेबल हों या ना हों। केटीएन न्यूज़ रिपोर्टर महबूब बिरोही। जी महबूब बिरोही, बताया जो छठों में छा सूरत हाल है एकता तैयारियों के हवाले से। जी कौमी ईद जी ये ही वेजो अची रहो है, ये छठो सकाफती रंगन सा रंगजन लगो है इलम करायो। तो जी आई होप के इस वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, लाइक किया होगा इतने मासूम प्यारे खूबसूरत बच्चों को देख के। तो मेरे कंटेंट में अब थोड़ा सा चेंजिंग आ गई है, पहले लाइफस्टाइल होमली व्लॉग्स हुआ करते थे, अब थोड़ा इस तरह आएंगे, तो आप लोग ज़रूर एंजॉय क्या करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।